नटवरवपु करनयो करनिकारं बिभ्रद्वा सा कनक कपिशं वैजयंतिं च मालां रंध्रान वेणुरदर सुधिया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति बंसी विभूषित करा नवनीरदावा पीतंबरा दरुन बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णिंदु सुंदर मुखादर विंद नेत्राद कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने राम दूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नां कपी प्रचोदयात् नमः भगवते वायुनंदनाय ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः श्री वेदव्यासाय नमः श्री शुकदेवाय नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो संत प्रवरेभ्यो नमः बाल कृष्ण लाल की जय सर्व संतों की सत्य सनातन धर्म बोल श्री राम जय राम जय जय राम बोल श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बाल कृष्ण लाल धर्म प्रेमी बंधुओं जब कोई व्यक्ति अपनी जिह्वा से कोई शब्द कहता कानों के रास्ते वो शब्द अंदर चले जाते सचमुच ही इतना भोजन खा लेवे लेकिन भोजन अंदर उथल पुथल नहीं करता इन्नी रोटी दो चार टो डिघाई उड़ने वो कदे साड़े ढिडे च बट नहीं पाते पर जिले गल सुनने ना गल ऐसा शोल पाती अंदर जे ये असें दुखी करी उड़ने या असें मजा दे उड़ती जिड़ी सुनी असें कन्ने दे रस्ते भुख त्रे चकाई उड़दी सारे कोला नकम्मे करिए गल बाली उड़दी मन नहीं करदा किशोर करने गल्ले पर विचार हो जाता गल्ला सुनी लैनिया जिड़ी मतलब दी हुए वो पकड़ी लैनी बाकी नहीं छोड़ी उड़नी उनेगी अंदर के अंदर पचाना की पी जी नुक्ता जी नहीं कर लगे ते दुनिया बड़ी बड़ी है कखने जे मुकना है ये सोची लैचे कि बस
हूं में कमे की गल रखनी बाकी कोई नहीं वो राह जन्दे बेकमियां गै लभी जांदियां नकमियां गल्लां कदें समय की बर्बाद करने वाली गल नहीं करचे मेरे जने बेशक करदे रहन पर सारे लोग अपने समय की बर्बाद नहीं करन सतवा सत्ते रोजे राख दे ना जिहड़ा सत रोज चलिया उसी सप्ताह आखदे कथा ही दिने ते राती दी जिल्लै मेरे जने लोकें बर्बारी आई ते चौबीए घंटे च मसा खिचिए त्रै घंटे कथा होंदी ओह भी जे बड़ी होवे इन्नी सारी कथा च उहदे विच भी कथा की छोड़िए एक घंटा कथा होंदी ते दो घंटे उर उपर दियां गल्लां होंदियां आस्ते जानी बुझिए गए इं खरकलाई जा दें अपने जीवन की एक बंदा कथ पान लगा आखन लगा कुदै खूह दे विच कोई बाड़ हा ते बाड़ा दियां टालियां खा ली उन्हें टालियां कन्नै इक बंदा लमके दा ते खूह दी मणी पर दो चूहे हे एक चूहा काला ते एक चूहा चिट्टा वो दोए चूहे बसोई बसोई बारो बारी बड़े ही बड़े दे जिहड़ी उन्हें कथ पाई भी की होया बाड़े जिहड़ा पुट्ठा लमकोए दा ए संसार ए दुनिया ते इहदे कन्ने लमकोने वाले मेरे जने उपरे दा दो चूहे जिहड़े कदरी जा दे बारो बारी चिट्टा चूहा दिन ते काला चूहा रात ए दोए चूहे कदरी जा दे ना साड़ी उमरी की उहां खुशी बड़ी है कोले बड़ला होग कुछ वेले फलाना दिन आओग फलाना दिन ते आई जाग इन्ने दिन साड़ी उमरी दे बीती मैं कल कबीर भगत लेके साख्या रहा कुसे सज्जन की किश एतराज होया बड़ी खरी गल है जिहड़ी गल तुसें गी नहीं दिले गी लग्गे इत्थे गै गलबात करी लैनी है कोई महात्मा थोड़े हैं जिन्हें रोह करना जागते गी आखिया जा पठे लिया भाई जे जागत चराला बढ़न लगी पिया तुसीं आखो नहीं भाई कणका जा पुटी जाणगा कणका जाग उठी जे आखिया लगने वाला हो ते नहीं ते जफी लगी जाग जफिया लांदा नहीं उहां जिहड़ा काम दस्सिया वह करी ओड़ना काम किहड़ा घर रुकना कुसै दा इहे गल्लां गै करनियां सिर खाना लोकें दा मी कुसै पुछिया शास्त्री तुसें बड्डे बड़े अग्गे खाधा मैं लोकें दा सिर खाधा तुस इन्ने लोग चुप चाप करियै बैठे दे हो मैं खाई जाना सिर तुंदा मैं भगत कबीर की गल करा रहा हाँ कुसै सज्जन की एतराज होया मैं आख्या कि कबीर विधवा ब्राह्मणी का पुत्र है कुसै ने किश एतराज किया भाइया कबीर उपर गै की करते हो बाकी आले उपर की नहीं करते इत्थे जेड़े पहुंचे दे होए सब गई आले होए वेश्या पुत्रो वशिष्ठा पांडवा यार जाता वशिष्ठ मुनि का दुनिया च बड़ा वड्डा नां है
विशिष्ट मुनि विधवा का पुत्र रहा, कंजरी का पुत्र रहा। पांडवा यार जाता, जेड़े पांच पांडु, जेड़ी कोई पुरानी चीज लगा है पांडवे बनाई दिया जी। पांडव कौन थे? अपने पिता के पुत्र नहीं, वो यार के पुत्र थे। दुखी ही क्यों होते हो? क्या आपको अपनी शोल्टी है? लोकें दिया ते बढ़िया दलीला लिया दे, वो अपने बारे च पता मैं कोदा पुत्र है? एक गल्ला गोलमाल खरिया रहा ते विश्वास करना जीना। जे भुमकड़ा पुटे ना ते फिर गल खराब हो जाती। कोई गुजरी ही बड़ी चलाक ते कुसे दे बुहाड़ा देना हा, उन्ने भी दिते एक ने ते एक दिता एक ने, रुपये देई उड़े इक्की। ते सारे गी आख्या मिंजो दे गोड़ी ने इक्की तारे हो। ते कुसे ने आख्या राम की ये तैं इक्की तारे हो जां गोड़ी ने इक्की तारे हो? उन्हें कहे इस गल की भुंकड़ा पुटन की के लोड़ है? इन्हें गल्ले ने भुंकड़े पुटिए तुसें के करने? जेकर मेरे को खोई या कि कबीर विधवा का पुत्र है ते तो सिसी साबित करना सोचो, वो एक कबीर ही गया साबित करके, वो बाकी और किन्ना कुछ आखिया था। मैं साल चार हो या आख दे, ना कोई पोथी है ना कोई पत्रा है, चार साल ते मैं किताब पढ़ रही हुई आखना रोज हाँ, पर जिन्ने दिन आखना इं गै आखना। जेड़ा आदमी गल्ले की गलत साबित करी जा ओ गुरु ते मैं चेला। राजा भोज हा, राजे भोज का वजीर हा कालीदास। राजे ने कुदै उसी आखिया कालीदास तू फोटू बड़े शैल बनाना है ते मेरी राणी का फोटू बना। कालीदास है उसकी राणी भानुमती का फोटू बनाया ते वो जिहड़ा बुरश है ना बनाने वाला वो मूहे च पाए रहा ते दिखा रहा कोई कसर दे नहीं रही। उहदे कन्ने जिहड़ी स्याही लगी दी ना बुरशे कन्ने रंग वो फोटू दे उपर जिथे उहदा पट हा राणी का वो पट्टे दे उपर स्याही पई। पूंजी तो उन्हें बड़ी पर पंजोई नहीं। जिले राजे ने फोटू दिखिया, राजे ने दिखिया रानी मेरी की तेले पट्टे पर इसी मैं जानना कालीदास की जान ला। उन्हें कालीदास ही देश निकाला देवड़े। ये सोचिया कि मेरी रानी कन्ने दे संबंध न उसी देश निकाला देवड़े। कालीदास गया उठी, कोई बुढ़ी घुमियारी ही उधर रोंदा रहे ते राजा भोज गया कुदै शिकार करने की। जिले मित्र कढ़ी उड़िया जनानी पर शक हुई है, शिकार करन गया तीर मुक्की है ते शेर आई है। राजे ने मसा रुख्या पर चढ़िए जान बचाई। उस रुख्या पर एक बांदर रोंदा है, राजे ते बांदरे ने दोस्ती पर करी ली। राजे ने आख्या भाई शेर बैठे दा थल्ले ते बारो बारी जागने आ, मैं सही जन्ना ते तू पैरा दे। जिल्ले बांदरे दा पैरा आया ते उन्हें आख्या शेरे ने, उन्हें आख्या इसी धक्का मार दे खल सुटी ते तू ही छोड़ी उन्ना। बांदरे ने आख्या मेरा मित्र है मैं इसी धक्का नहीं मारना। जिल्ले तेरा आया राजे दा शेर ने परती आख्या भाई राजा बांदर खल सुटी उड़ते मैं ती छोड़ी। राजे ने आल माल काकनी था बांदर सुते दा धक्का मारे दे खल सुटी उड़ी। जिन्ना कमजात बंदा है इन्नी और कोई चीज नहीं। बंदा इन्ना बेवफा है कि जिदा कोई हिसाब नहीं,
शिल्लू बकरू होंगे ना, वो विश्वास करिए पिछे पिछे जा रहे होंगे, नहीं जाते? कोई शिल्ली बकरी रखी रही है तुसे, तुंदे पिछे पिछे जा रही है, मैं कर रही है, ते बंदा भी सी गोदी च लिए पाले दा। पर जिया बकरा जवान होया, चल टुकी है पुठा टंगे खाई उड़े, उसी एक बारी तरस नहीं आंदा कि मैं इसी आपू पालिया, आपू खान लगा। विश्व वृक्षों की संवर्ध्य स्वयं छेत्तम असंप्रदम, कदे कोई जहरा बूटा आपू रात उसी आपू टुकना नहीं चाहिए। पर बंदे को ला बेवफा चीज केड़ी होनी, जिसले राजे ने बांदरे की सुटिया, बांदर पिया नहीं टाली कने पलमोई है, शेर ते गया उठी, बांदर ने शाप दे उड़े, उन्हें क्या मूर्खा तू मित्र त्रोह कीता, मित्र कने दगा कीता, जा तू की कोट पई जा। राजे की कोट पई है, राजा दुखी होया, पूछन लगा तू मेरा मित्र है, कोई रास्ता दे दस की है कोट चुको। उन्हें आख्या चार अखर न बी से मे तेरा, जिड़ा ने चौने अखरे ना मतलब सुनाग, मतलब सुन दे गए तेरा कोट चुकी जा। राजे ने दुनिया भर के विद्वान कट्ठे किए, मतलब पूछे पर मतलब कुछ याद है, वो पोथियों पर लिखे का मतलब हों तारे कोई सुना पढ़िए। राजे ने आख्या जिड़ा मेरे सवाल का जवाब दे चाहू अखरे का, उसी अद्धा राज दे। जिड़ी कमियारी का रहा होना कालीदास छप्पी है, उन्हें बुढ़ी की आख्या मां तू राजे की सुनिया भेज के मेरी कुड़ी है, पर रौंदी है भोरे च, मूह नहीं दसोग सामने, ते ये उन्हें तेरे अखरे का जवाब दे सकती है, पालकी च पीए जाग ते पालकी च घर उठी आओ। राजा मन्नी आ, कालीदास जनानी बनिया, पालकी च पिया ते गया उठी। जिले राजे ने पहला अखर बोलिया भाई पहला बी है, ते कालीदास पालकी जाके बोलिया विश्वास प्रतिपन्ने सूर्य च विश्वास घातिना, ते यांति नरकं घोरम सत्यमेव न संशय, कि जिड़ा मित्र की मित्र बनाई है ओदे कन्ने दगा करे ओ घोर नरक दे विच जंदा है, संशय कोई नहीं। ओ से ने तेरा इने त्रोने अखरे दे विच जिहड़ी जंगले च घटना होई दी ना, इहदे त्रै श्लोक बनाई उड़े, पितू की बांदर ने कोट पाया, छड़ी इन्नी गल आखी ते कोट चुकी है। उन्हें पूछा कि भाई कुड़िए मेरी जिले बांदर कने गलबात हुई उले त्रिया बंदा कोई ना, ते तू दस तू किया जानना है, ते बांदर कने गल हुई। उस समय कालीदास कहने लगे राजा देव द्विज प्रसादेन तथा श्रीमत काली प्रसादता सर्वं जानामि भो राजन भानुमत्या तिलम यथा, आक लगा देवते दे ब्राह्मणे दी कृपा कन्ने मैं सब किश जानना, जियां तेरी राणी दे पट्टे दे तिले की जानदा। भाईया कताबें वाली गल है नहीं, इहदे पट्टे दा तिल जानने वाली गल है। कोई बंदा ऐवें के बिना मतलब दे दिमाग नहीं खराब करता रहे अपना, तुसे मिगी अज दिखिया में तुंदे जने लखा रोजा दे दिखना, ये कोई मत आखे मैं बहस करूं मैं कुछ करूं, मेरे कन्ने कह दिया बहसा, मैं ते आएदा सौदा वेचन, मजमी आला जिहड़ा हुंदा कपड़े लई आउंदा ते ओह डमरू आंदा डम डम करदा, लोग कट्ठे हुंदे सौदा बेची लैंदा, मैं ते अपना सौदा वेचना है, सनेहा देना है तुसें, एवें कि कुदै बैसें च पई है
खजल हो गई आपको, मेरा कख नहीं बिगड़ना। उत्थे बैसा नहीं हुई जिते गोलियों पर गोलियां वर दियां, इत्थे क्यों होना। राम राम आख्या करो ते नंद लै करो, काम अपना करना ते राम राम आखना। ये कथाएं जितनी हैं आडंबर मात्र है, जिन्या कथा न कथा राम दी है ता कृष्ण दी है ता आडंबर है। बिचे दा जिहड़ी खास गल है ना, गल राम दा नाम है। थेरी घेरी है गल उत्थे गै मुकनी है, फिर राम राम आख्या करो। मैं ते आखना तुसें गी भी कम करदे करदे राम राम आखना। कदें कथा कबीर दी सुनाई उड़ना, कदें नानक दी ते कदें फरीद दी। जिहड़े इसे बहसा च पे रहन, जम्मू एक बारी सम्मेलन होया गीता भवन दे विच। एक पासे आर्य समाजी है ते दूए पासे सनातनी है, अपनी अपनी गल तोड़ चाड़न। एक आखण रब है मूर्तियां च रौंदा ते दूए आखण नहीं रौंदा। एक साधु उठी आया, इं बड़ा विकराल जिहा रूप उहदा। साधु ने आख्या मिगी टाइम दें दियो, त्रै दिन होई आ बहस लगे वे, ना कुसै दी जित ही ना आ रही। साधु ने दोनों दे विच खड़ोई एक गल आखी, हां कहूं तो है नहीं, जे आखना पे रब है ते ता नहीं की वे लभदा नहीं दसन ते हुंदा नहीं। हां कहूं तो है नहीं, ना भी कहा ना जाए। उसी ना भी नहीं आखी ज्यादा भी नहीं है, है नहीं के बीच में आप पूरा हा सुनाए। ओ है ते नहीं दे विच, आ ते ना दे विच आपू बड़ेगा। वह भगवान जो जर्रे जर्रे में रहते हैं, मैं उनकी चर्चा कर रहा था। पुत्र विधवा का हो, पुत्र कंजरी का हो, जात ना पूछो साधु की, लीजो उससे ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दुनिया। जाता नहीं पूछनी है, ज्ञान दी गल पूछनी साधु है। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल मैं क्या आख्या रहा, गल किश खलार पई आ कि वशिष्ठ कंजरी का पुत्र हा ते वेद व्यास जिहड़ा हा कुआरी का पुत्र हा। वेद व्यास की मां सत्यवती मलाह की कुड़ी ही, जिन्हें कुआरे गए वेद व्यास की जन्म दिता। जिहड़ा राजा करण हा वो कुंती दे कुआरे समय का पुत्र हा। जिहड़ा दुर्योधन हा ये गोलक पुत्र हा। कोदी कोदी गल सुना, जे कदे भगवान राम लई आखा तुसें रोह चढ़ी जाना, वह भी पुत्र बब्बे दा ना हा। ऐवें तलखी जा रहे कबीर भगत विधवा का पुत्र है। पर नहीं सामर्थ को दोष गसाई, जिला समर्थवान ना उसी दोष है नहीं लगता, पर जिला समर्थ नहीं रखता उसी दोष लगी जाता है। जिया सर्वभक्षी हुताशा, अग जिहड़ी है सब कुछ खाई उठती, उहे कड़ी अग जिहड़ी सिरियां खरौड़े भुन्ने दी, उहे कड़ी अग जिहड़ी है स्वाहा उह औरतियां लै दी। अग्गी की सारे अर्ग दिंदे जाहो महाराज, अग्गी च
रुट्टी बनाने दे बाद औरती देने दा नियम है। जेड़े वेजिटेरियन डला लेन वो खरे औरती नहीं देन, पर जेड़े नॉन वेजिटेरियन जिन्हें मांस मूस बनांदे वो पहली गंडी उहदे विच गै सुट्टदे। अग्गी कोई दोष नहीं लांदा। सूरज जिहड़ा है पहले घर आई जा जेकर साइया जिन्हें खला टंगी दियां, खरे पहली धुप्प ग्रां च हुंदे पवे ते बाकी आले सारे ग्रां झूठी धुप्प पवे, वो जिहड़ी खला लंघी आई दी उसी नहीं पुछिया तुसीं। चाननी हुंदी है, चाननी बस सारे ने बराबर पे जांदी, कदे नहीं आखदी इहदे पर घट पाउणी इहदे पर वध पाउणी है। पानी जिहड़ा ना गल जदू खोंदी निक्के ही खोंदी, बड़े ही आख्या तां मजा। चना दे विच रोज कुदै कुत्ता रुड़दा आवेगा, कुदै डंगर रुड़दा आवेगा, कोई नहीं आता चना दा पानी गंदा होई मुड़दा फूकिया दे विच सुट्टे दे मारे शुद्ध है पानी। कदें इस कड़े खूहे दे विच बिल्ली पई जा छे महीने पानी नहीं पीते तुसीं इतने। जिहड़ा समर्थवान है ना उहदे विच दोष होंदे होए भी नहीं लभदे, ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਗੁਣ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ। ਅਸ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਸ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਦੇਖਦੇ। ਖਲਾ ਸਰਸ਼ਵ ਮਾਤਰਾਨੀ ਪਰਸ਼ਿਦ੍ਰਾਨੀ ਪਸ਼ਤੀ ਆਤਮਨੋ ਵਿਲਵ ਮਾਤਰਾਨੀ ਪਸ਼ਨ ਪੀਨ ਪਸ਼ਤ। ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮੋਟੇ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਣ ਹੁਣੀ ਲੱਭਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਖੋ ਤੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਅਜੇ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤ ਜਾਗਿਆ ਦੇ ਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਗੋਪਾਲ ਭਜਮਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਗੋਪਾਲ ਭਜਮਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ बाल कृष्ण लाल। बातों बातों में काफी समय हो गया, सचमुच ही व्यर्थ के झगड़े में कितना समय बर्बाद हो गया। आप तो मुनि सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद सुन रहे थे। राजा परीक्षित गंगा की वेदी पर बैठे हुए मुनि सुखदेव जी महाराज से कहते, प्रभु कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। गुरु जी तुसे सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजें दे वर्णन कीते, पर तुसी उस परमात्मा का वर्णन नहीं किया जिसी मैं अपनी मां के गर्भ च देखिया। मतलब तुसी भगवान कृष्ण की कोई कथा नहीं सुनाई। मेरी थोड़ी जनी उम्र रही, अद्धा समा तो हुई है, जेल तुंदी पहली कथा मुक्की ही ना अज एक बजे कहना उल साढ़े त्रै रोज हुई है सतवाह शुरू हो। आख्या मेरी अद्धी उम्र ते बीती, साढ़े त्रै दिन बाकी है, तुसें कृष्ण का नाम नहीं लिया। मुनि सुखदेव जी बड़े खुश होते। एवं निशम्य भृगुनंदन साधु आदम व्यास की स भगवानत विष्णु रातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्म शघनम
व्याहर तुमादवत भागवत प्रधान। श्री राजन, आपने कलयुगी जीवों के लिए कितना अच्छा प्रश्न किया। कलयुगी जीव जो माया से दुखी हैं, जिड़े माया कन्ने दुख पा देन, ऐसे कलयुगी जीवें ले भगवान कृष्ण दा चरित्र इं जिया कुदै त्रियाए दे बंदे ले पानी होवे ते धुप्पा कन्ने सड़े दे ले छां होवे। कोई किन्ना दुखी होवे भगवान दी कथा सुने, कथा सुनते सुनते गै उसी सुख प्राप्त हो जाता। उंगा सराने वाले ही नहीं होंगे जेडे सुनने वाले न, उन्हें भी सुख पुजदा। सुनाने वाले की नहीं पुजदा। मैं मते सुनाने वाले देखे, वो बस उन्हें की ए उड़क लगी रही ते उन और केड़ी जगह हो है। और कुत्थे कथा करचे, इं अखरियां तुपते फिरते। ये सुख की जिहड़ी चीज है जी उकड़ी छोड़ी गई उड़ी जा। ते फिर की बना जिहड़ी सुख की चीज इहदे विच संतोष है। परमात्मा दे भजन दे विच उहदे नां दे विच जिहड़ा संतोष है ना, विषय का सेवन छोड़िए परे रहना। जिले इकड़े दो बीड़े गे विच गड्डी उड़े जान ते पिछे इहां थोथियां गल्लां रही जांदियां, पिछे की बनना। मैं तुसी सुना रहा हा कि इहदे च सुख बड़ा है, मजा भी बड़ा, पर इहदे विच वाला मजा जिहड़ा है वह जिहड़े मेरे आटे लोग होण ना मस्त मलंग उन्हें ही आउंदा। जिन्हें की अगे पिछे का फिक्र कख नहीं हो, जिन्हें की दुनिया की गरज नहीं हो, पक्के लापरवाह हो, वो लोग सुख ले सकते। वो होना नहीं, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। वो मस्ती वो लापरवाही साढ़े च आनी नहीं। लापरवाही कमे काजे को आई सकती है, साढ़े टब्बरे की देख रेख को लापरवाही आई सकती है, विषय को नहीं। असेंगी सुख मिलना नहीं। मुनि सुखदेव जी आख्या दे राजा, बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल की। मुनि सुखदेव जी आख्या दे राजा, जिहड़े परमात्मा कृष्ण ये वसुदेव ते देवकी दे योग कन्ने अवतार लिया आए। राजा
जिहड़े वसुदेव जी है उन्हें पहला व्याह कीते रहा रोहिणी कन्ने, ते दूआ व्याह उनका जुड़िया देवकी कन्ने। समय समय पर नियम बदलते जंदे, कानून बदले जंदे, जियां अज दूआ व्याह करना जुल्म है ना, कोई दूआ नहीं करी सकता, जे करे तो उसी सजा थोंदी। पर कोई जमाना हा एक एक बंदा हजारा हजारा ब्याह करता, की करते है इहदे लई मी के पता की करते। अजे कल आला गया हाल होना जियां अज कल, अज कोई 2% ऐसे मुड़े न जिंदे मुंहे पर खून है, इया पुसे पीले हुए दे, तो उस पुसे पीले कन्ने कौन कुड़ी बोना चाहती है। कानून समय समय पर बदलते जाते, कोई बिरला जागत दसवीं जा पास होंदा है, साढ़े ग्राए कुड़ियां सब दसवीं पास, स्यापा बनी जंदा कोदे कन्ने जोड़ करना मुश्किल बनी जंदा ना। इयां गै नपुंसकता जिहड़ी जियां अज वधदी जा रही है मर्द जाति च, नपुंसकत्व वधदा जा करदा और इस्त्री जाति उन्नत हुंदी जा करदी। उस जमाने दे विच वी मते सारे लोग कुआरे मरी जांदे, ओह नहीं बोंदे, पर उत्थे वी कई कई जिहड़े हुंदियां सैकड़े शादियां हुंदियां। शादी बीए दी डिग्री कन्नै नहीं होनी है, कोई सज्जन बुरा नहीं महसूस करे कि मैं पढ़े दा ते शास्त्री पढ़ाई दी क्रिटिसिज्म करा दा। कुड़ी दा विआह मुड़े दी डिग्री कन्नै या मुड़े दी नौकरी कन्नै नहीं है, विआह पढ़ाई दा होना दोनों डिग्रियों दा या कुड़ी मुड़े दा होना। वहां पर यौवन प्रधान माना जाता है और जबकि यौवन न होते हुए नपुंसकता हो, मर्दानगी न हो, उस समय विवाह निष्फल कहा जाता है। साढ़े शास्त्रों च जेदा पति नमर्द हुए उसी दूआ व्याह करने की इजाजत दी थी।